नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बरेली। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। सेंट्रल जेल से भागे बंदी का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि रविवार को एक और बंदी फरार हो गया। इस बार 300 बेड अस्पताल से हाथ की रस्सी काटकर कोरोना संक्रमित बंदी भागे सुबह पता चलने पर बिहार पुलिस को अलर्ट कर दिया गया, मगर उसका कुछ पता नहीं चला है। बहेड़ी के नगला गांव के अशोक उर्फ बिल्लू को 3 दिन पहले इज्जत नगर पुलिस ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके पास से चोरी का माल मिलने का भी दावा किया था। बिल्लू का कोरोना टेस्ट कराया गया तो वह पॉजिटिव निकला। इस पर उसे 300 बेड के बेड अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बिल्लू भाग न जाए इसके लिए उसके हाथ में हथकड़ी लगा दी गई और रस्सी को पेड़ से बांध दिया गया। उसकी सुरक्षा में 2 सिपाही लगाए गए थे। बताया जा रहा है कि बिल्लू ने किसी तरह हाथ की रस्सी काटने और टॉयलेट के पास पाइप के सहारे चढ़कर फरार हो गया है। बंदी के फरार होने की सूचना मिलते ही एसएसपी ने अलर्ट जारी कर दिया। सभी जगह चेकिंग शुरू की गई। उसके घर बारिश तेज सियारों के यहाँ में दबिश दी गई, लेकिन देर रात उसका कोई पता नहीं चला। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए सिटी न्यूज़ बरेली के साथ।